Thank you.
सांभर जाना था, सांभर की झील है, वहां गए हो। जयपुर वासी बड़े प्रसन्न थे और कुछ दिन के बाद लौट के फिर आए तो कथा का स्वाद लग गया था जयपुर वासियों को। देखा कि बाबा फिर आ गए तो सब दौड़े दौड़े गए, बाबा कथा सुनाओ, आगे की कथा सुनाओ। तो गोवर्धन दास जी ने कहा कथा तो सुनाएंगे हम, लेकिन ये बताओ कहां तक कथा हो गई, उसके आगे फिर सुनाते हम। श्रोता तो श्रोता ही थे सर, और बिल्कुल सही है, श्रोता तो श्रोता ही। चरणों का स्पर्श होते ही वो कीड़ा पहले छोटे छोटे थे और मोटे मोटे हो गए, और ज्यादा कीड़ा आ गए। लोगों को लगा कि हम तो सोचे थे भगवान परम पावन है, पर जल शुद्ध होगा, पवित्र होगा, ये तो और गंदा हो गया। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि भगवान के चरणों के स्पर्श से जल शुद्ध क्यों नहीं हुआ, वो कीड़ा और मोटे क्यों हो गए, क्या कारण है? परमात्मा कौन है? जिन्हें इनके चरणों का आश्रय मिल जाए उसे दुनिया से किसी से भय नहीं रहता है और स्वस्थ होता, प्रसन्न हो जाता है। अच्छा, कमजोर कौन होता है? जिसे चिंता हो, टेंशन हो, जिसे बढ़िया आश्रय मिल जाए, बस अब तुम निश्चिंत रहो तो ये कह दे, बिना खाए पिए व्यक्ति आधा स्वस्थ हो जाता, अब हम निश्चिंत हैं। अजीत माता जी भजन सुना रही थी दोपहर, बड़ा बढ़िया भजन लगा था उनका, खाओ पियो ऐस करो ऐसा कुछ सुना रही थी। वो बड़ा बढ़िया भजन सुनाया महाराज, उसमें तो मैया ने भगवान को भी किनारे लगा दिया। वो सुना रही थी कि आना हमारे यहाँ, हम सर्प साबुन दे देंगे, कपड़ा धोया करो। तो भगवान के चरणों से वो कीड़े मोटे क्यों होगा, कहने का तात्पर्य क्या है? जिसे परमात्मा के चरण मिल जाए भला वो तो पोषित ही होगा, जब पोषण होगा तो मोटा तगड़ा ही हो जाएगा, कमजोर थोड़ी होगा, इसलिए कीड़ा स्वस्थ होकर मोटे हो गए।